और ये एम संघर्ष समिति का काफिला डीसी ऑफिस में जाते हुए अपनी मांगों को लेकर ये हम खड़े हैं अभी पाली पुल पे, कुंड वाले पाली पुल पे, जहाँ से ये काफिला निकल रहा है। सैकड़ों गाड़ियाँ हजारों लोगों की संख्या में एम्स की मांग को लेकर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए सरकार के पक्ष में धरना दे रहे हैं काफी दिन से, और आज रेवाड़ी जा रहे हैं। किस तरह का धरना आप देख सकते हैं, काफिला चलता ही जा रहा है, काफी संख्या में ये गाड़ियां यहां पे आप देख सकते हैं, सैकड़ों गाड़ियां, यहां का पूरा इलाका एक होकर एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए किस तरह से प्रयास इस क्षेत्र के, बार बार इन मांगों को मांगने के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है, इन चीज़ों को देख कर ये धरने और इस तरह की रैलियां निकाली जा रही है, जो कि मणिठी से ये रैली चालू हुई है और डीसी ऑफिस तक जाएगी। सभी गांवों के लोग इसमें शामिल हैं और इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। ये पाली रोड से इनका वीव है पूरा इस काफिले का, आप देख सकते हैं सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है लोगों की। दूर दूर तक आपको देखते हुए मिलेंगे कि गाड़ियां ही गाड़ियां, जनता किस तरह से एक होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो आज मजबूर हुए रैली करने को। महिलाएं भी किस तरह से देखिए जा रही हैं यहाँ, किस तरह से लोग अपनी मांग उठाने के लिए मजबूर होकर आज रैली निकालने को मजबूर हुए। इनका कहना है कि बार बार सरकार द्वारा झांसा दिया जा रहा है, कई तारीखें बदली जा चुकी हैं, शिलान्यास करने के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और इसी तरह की मांगों को लेकर आज लेकर रहेंगे जी। देखिए किस तरह से काफिला बढ़ता ही जा रहा है और सैकड़ों गाड़ियां यहां से निकल चुकी हैं और आगे भी हर गांव से लोग जुड़ते जा रहे हैं गाड़ियों के साथ, इस रैली में शामिल हो रहे हैं और डीसी ऑफिस में आज डीसी साहब को विज्ञापन देंगे और सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। रैली निकालने को इस तरह के धरने दे देकर परेशान हो गए, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो आज मजबूर होकर ही रैली निकाल रहे हैं और गांव मणिठी से लेकर और रेवाड़ी डीसी ऑफिस में आज ये यहां की सरदारी, यहां के क्षेत्र के सभी जनता वहां पे पहुंच रही है अपनी मांगों को लेकर, मजबूर होकर आज इनको ये रैली करनी पड़ी और डीसी ऑफिस में जाना पड़ा। सारे क्षेत्र की जनता एक होकर हजारों गाड़ियां, पूरे क्षेत्र की जनता एक होकर आज सरकार को अपनी मांगों को लेकर के आज ये धरना और ये रैली निकाल रहे हैं जोर, अपनी मांगों को लेकर जोरदार आज लोगों का यहां आक्रोश भी देखने को मिला और सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आज डीसी ऑफिस पहुंच रही है यहां क्षेत्र की जनता,
लगभग 15 से 20 गांव की जनता आज एकत्रित होकर और किस तरह से देखे गाड़ियों का काफिला और यहां के हर व्यक्ति गांव हर गांव से जनता यहां इकट्ठी होकर जा रही है। डीसी ऑफिस जा रहे हैं अभी ये रैली निकालते हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत करवाने के लिए। पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस सेवा यहां अधिकारियों द्वारा तैनात किए गए हैं, साथ साथ चल रहे हैं पुलिस प्रशासन भी और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी। पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रैली निकाली जा रही है। पहले ही प्रशासन को अवगत करा दिया गया था कि इस तरह से रैली निकलेगी। रेवाड़ी सर्कुलर रोड से होते हुए तो सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं की हुई हैं रैली को लेकर, क्योंकि काफ़ी जनता यहां से जाने वाली है और काफ़ी साधन भी यहां से निकलने वाले हैं। किसी तरह का जाम या व्यवस्था ना हो उसके लिए सुरक्षा को लेकर सारी निगरानी की गई है प्रशासन द्वारा। सभी तैयारियों के साथ ही रैली निकाली जा रही है और डीसी ऑफिस पहुंच रही है यहां की जनता आज अपनी इस एम्स की मांग को लेकर कि यहां ओपीडी शुरू की जाए, यहां एम्स का शिलान्यास किया जाए, यहां क्लासें शुरू की जाएँ। इस तरह की कुछ मांगों को लेकर एम्स संघर्ष समिति के सदस्य और यहां की आम जनता पहुंच रही है आज डीसी ऑफिस। गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं कब से और किस तरह ये काफिला बढ़ता ही जा रहा है। हर गांव से गाड़ियां और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। रेवाड़ी तक शायद ये काफ़ी काफिला बढ़ जाएगा और बहुत सारी जनता यहां की डीसी ऑफिस आज पहुँच रही है सरकार को जगाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए। दिखाते हैं आपको पूरी आगे की इस वीडियो में कि क्या मांगे हैं और क्या प्रशासन जवाब देता है, किस तरह की ये सफल रैली आज हो पाती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ।